कल यानी सोमवार को अमेरिका में दहशत का माहौल बन गया जब एक मालवाहक जहाज के टकराने से पुल भरभराकर गिर गया। एक बड़ा हादसा है, लेकिन ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था अगर जहाज के भारतीय क्रू अपनी सूझबूझ ना दिखाती। बाल्टीमोर में एक बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज में घुस गया, जिसके बाद करीब 2.5 किलोमीटर लंबा पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पुल पर मौजूद कारें और लोग नीचे ठंडे पानी में गिर गए। दिन भर चले बचाव अभियान को जब शाम को रोका गया, तब तक 6 लोग लापता थे। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 6 लोगों को मृत मान लिया गया है। जहाज पुल से क्यों टकराया, इसकी जानकारी सामने आ गई है। इसके मुताबिक जहाज के क्रू को पहले ही पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन उस समय तक काफी देर हो चुकी थी और इसे रोक पाना उनके हाथ में नहीं था। सिंगापुर के झंडे वाला डॉली जहाज बाल्टीमोर से श्रीलंका की 27 दिन की यात्रा पर रवाना हुआ था, लेकिन बंदरगाह से निकलते ही क्रू के नियंत्रण से बाहर हो गया। इसके बाद जहाज रास्ता बदलकर फ्रांसिस सिटी की ओर तेजी से बढ़ने लगा। मरीन टाइम ट्रैफिक डेटा के मुताबिक जहाज 984 फीट लंबा था, यानी ये 3 फुटबॉल मैदान के बराबर था। सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण ने एक लिखित बयान में बताया है कि आपदा से कुछ पलों पहले डॉली ने अपना कंट्रोल खो दिया था। आधी रात का वक्त था जब जहाज पर पावर आउट हो गया। लाइटें अचानक से बंद हो गईं और जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्य अंधेरे में डूब गए। जहाज पूरी तरह से डेड था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहे थे। सबसे अहम था, इसका इंजन भी काम नहीं कर रहा था। रात के अंधेरे में जहाज अपनी मर्जी से बहाव के साथ चला जा रहा था। सब कुछ जानते हुए भी इंजीनियर्स इसे रोकने में नाकाम थे। इस दौरान अलार्म भी बज रहे थे। जहाज के क्रू ने समस्या को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की, जो कि नाकाम साबित हुई। जहाज पर कंट्रोल होता ना देख पायलट ने चालक दल को आदेश दिया कि पतवार को बंदरगाह की तरफ जोर से मोड़ें और जहाज को लहरों के बहाव से रोकने के लिए लंगर गिरा दें। हालांकि माना जा रहा है कि जहाज का एक इमरजेंसी जनरेटर चालू हो गया था, लेकिन जहाज के इंजनों ने दोबारा काम करना शुरू नहीं किया था। जब जहाज के चालक दल के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने 1:30 पर कुछ समय पहले मैरीलैंड अधिकारियों को चेतावनी कॉल जारी की और बताया कि जहाज टकराने वाला है। हादसे के कुछ समय पहले रिकॉर्ड की गई मैरीलैंड ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की एक रेडियो कॉल सामने आई है, जिसमें अधिकारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एक जहाज आ रहा है जिसने अपना स्टीयरिंग खो दिया है। जब तक इसे नियंत्रित कर लेते, हमें सारा ट्रैफिक रोकना होगा। मैरीलैंड गवर्नर वेस मूर ने जहाज के क्रू को हीरो बताया है और कहा है कि उनकी आपात प्रतिक्रिया ने बहुत सी जानें बचाई। गवर्नर का कहना है कि क्रू की चेतावनी की वजह से ही अधिकारी हादसे से 2 मिनट पहले पुल पर ट्रैफिक को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि इससे हादसा नहीं रोका जा सका और जहाज पुल के एक खंभे से टकरा गया। देखते ही देखते पुल भरभराकर नदी के ठंडे पानी में गिर गया। जानकारी के मुताबिक डॉली जहाज पर 2 कैप्टन समेत चालक दल के 22 सदस्य सवार थे और सभी भारतीय थे। जहाज के चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारतीय क्रू की तारीफ की है। बाइडेन ने एक बयान जारी कर कहा है कि निसंदेह जहाज पर मौजूद कर्मचारियों की चेतावनी की वजह से लोगों की जान बच गई। श्रीलंका जा रहे इस जहाज का संचालन करने वाली कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप ने जानकारी दी है कि जहाज की क्रू पूरी तरह सुरक्षित है। इस जहाज के चालक दल में 22 लोग शामिल हैं जो भारतीय हैं। कंपनी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जहाज से किसी तरह का प्रदूषित पदार्थ नहीं निकल रहा। इस घटना की जांच के लिए क्वालिफाइड इंडिविजुअल इंसिडेंट रिस्पॉन्स सर्विस को शुरू कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से अमेरिका के बाल्टीमोर में ये जहाज हादसा हुआ। एक जहाज पुल से टकरा गया, जिससे कि पुल भरभराकर नीचे गिर गया। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।